नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। भाई आज अपन बात करेंगे सऊदी से रिलेटेड। मैंने एक वीडियो पहले भी और बनाया है और सऊदी की रिलेटेड ही बात करेंगे, इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूं। वीडियो पूरा देखिए, आपका 100% आपके काम का वीडियो होने वाला है सऊदी के। एंड अगर आप सऊदी जाना चाह रहे हैं, सऊदी से रिलेटेड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रोज़ आपको मिलती रहे। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं भाई सऊदी से रिलेटेड। भाई देखिए, कोरोना अपडेट आपको पता है, वह गल्फ में सबसे ज्यादा सऊदी में मार कर रहा है गल्फ कोरोना। 25,000 प्लस अब तक मेरे हिसाब से पहुंच गया है, ठीक है। और उस वजह से आपको पता है कि जब कोरोना होता है तो जब अमेरिका जैसे देशों की घुटने टेक दिए तो भाई सऊदी तो उनसे बहुत कम, 4 गुना नीचे है करेंसी के हिसाब से देख लीजिए, किसी भी तरीके से देख लीजिए। तो भाई आपको पता है फिर दिक्कत तो सबको आने वाली है, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। कोरोना में आपके घर में देख लीजिए क्या स्थिति है, वो ही सऊदिया की होने वाली है, सऊदी गवर्नमेंट की वो ही स्थिति हो रही है। देखिए उसमें दिक्कत आपको पता है, कोरोना की वजह से सिस्टम पूरा क्लोज है, काम नहीं हो रहा है, कंपनियाँ बंद है, प्रोडक्शन बंद है, खपत भी बंद है, तो फिर पैसा आएगा कहाँ से, रूटीन में कहाँ से घूमेगा पैसा। अगर लॉकडाउन में आपने अगर 1,000 कमाया तो गवर्नमेंट ने 1,00,000 कमाया, आपने अगर 1 रुपया नहीं कमाया तो गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं कमाया, ये माइंड में रखिए। तो भाई पैसों की किल्लत सब कंट्रियों में है दोस्त, किसी को नहीं दे सकते। सिर्फ ये इंक्वायरी मैं आप लोगों के साथ दे रहा हूँ, इस वजह से सरकार जो है वो कुछ न कुछ जोड़ तोड़ निकालती है सिस्टम को एडजस्टमेंट करने के लिए, बराबर करने के लिए। तो अभी गवर्नमेंट ने एक अपडेट निकाला है, मैं इस अपडेट को बहुत अच्छा मानता हूँ। अच्छा इसलिए मानता हूँ कि यार 4 रोटी खाते हैं, वहाँ 2 रोटी मिल जाए या 3 रोटी मिल जाए तो ठीक है ना, बिल्कुल भूखे मरने से तो बढ़िया है कि 2-3 रोटी मिल रही हैं, एडजस्ट तो हो रहा है। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो भाई गवर्नमेंट ने आज की डेट में नई गाइडलाइन एडवाइजरी जारी कर दी है, आपके मालिक और कंपनी और कफीलों के पक्ष में उनको साफ साफ ये आज की वहाँ का श्रम मंत्रालय है जो सरकार की तरफ से साफ साफ बोल दिया गया है कि भाई आप अगर चाहो तो अपने कार्य, आपके पास जितने भी वर्कर हैं, किसी के पास 50,000, किसी 10,000, 20,000, 2-4 जितने भी वर्कर हैं, उनको आप 40% सैलरी डिटेक्ट कर सकते हो। यानी अगर आपको सऊदी आपकी कंपनी, आपका मालिक, आपका रबाब, कफील आपको अगर 1,000 रियाल दे रहा है तो आपसे 400 रुपये कट करके और 600 रुपये में आपसे जॉब करवा सकता है। ये सऊदी गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया है आज 4 मई की डेट में, ये आप साफ तौर से देख लीजिए। अगर आप सऊदीया में हैं उसी के लिए लागू है, यहाँ से तो वहाँ पहुँचेंगे नहीं, अभी सिस्टम बंद कर दिया। वीज़ा वगैरह वो भी मैंने वीडियो डाला है, आप देख लीजिए, उसका लिंक भी मैं वीडियो के नीचे छोड़ दूंगा, पूरी डिटेल उसमें बताई गई है नए जाने वाले बंदों के लिए, ठीक है साथियों। तो उसमें देखिए गवर्नमेंट ने क्या क्या एडवाइजरी दी है, आपकी आप 40% अपने वर्कर की सैलरी कट कर सकते हो, उसके बदले आप उनसे काम कम करवा सकते हो। 8 घंटे ड्यूटी है तो उसमें आप 6 करवा लो 5 करवा लो, ठीक है। उसमें ये भी ऑप्शन दिया है कि मान लीजिए आपके पास काम थोड़ा कभी हो जाता है तो आप उनकी छुट्टी कैंसिल कर सकते हो, साप्ताहिक छुट्टी होती है ना एक, उसमें भी आप काम करवा सकते हो अपनी वर्करों से, ठीक है। लेकिन गुड न्यूज़ मैं ये मानता हूँ गवर्नमेंट सऊदीया गवर्नमेंट की, भाई देखिए इस सिस्टम से उभरने के लिए, इस बीमारी से निकलने के लिए थोड़े टाइम के लिए दुख आपको पड़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और सरकारों ने तो भाई घर ही भेज रहे हैं, आपको पता होगा ना कि और गवर्नमेंट तो बोल रहे हैं कि हमारे पास काम नहीं है, ऊपर हाथ करते हैं, आप अपने अपने देश जाओ। इससे तो बढ़िया मैं सऊदी गवर्नमेंट को मानता हूँ कि उन्होंने बोला है सैलरी कम कर दो लेकिन जॉब से बंदे को नहीं निकाल सकते, सख्ती के साथ आदेश दिया है कंपनियों को, मालिकों को। अगर कोई मालिक आपको निकालने की सोचे, कंपनी को निकालने की सोचे, तो आप बाकायदा वहाँ पर शिकायत कर सकते हो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, आपका जॉब नहीं जाएगा। हाँ सैलरी ये भी 6 महीने के लिए बता दूँ, ये सैलरी 6 महीने के लिए आपकी कम होगी, 6 महीने बाद सिस्टम रूटीन में आ जाएगा, तो सैलरी जो थी वही आपको मिलेगी। हो सकता है ये 6 महीने की काटे वो भी दे दे गवर्नमेंट, कोई नया रूल कर दे कि भाई इनको सैलरी ये वापस दी जाए, लेकिन 6 महीने के लिए आपकी 40% सैलरी कटेगी, इससे कम नहीं कटेगी। गवर्नमेंट ने बाकायदा सख्त लहजों में बोला है कि इससे कम सैलरी नहीं कटनी चाहिए, 40% तक काट सकते हो आप, 60% सैलरी वर्कर को मिलनी चाहिए और उसको जॉब से आप नहीं निकाल सकते जब तक उसका वर्क पीरियड पूरा ख़त्म नहीं हो जाता। वर्क अग्रीमेंट आपका 2-3 साल का होता है, वो ख़त्म नहीं हो जाता जब तक वर्कर्स को आप नहीं निकाल सकते। अगर इसके बावजूद कंपनी आपको 40% से ज़्यादा सैलरी काटती है, जॉब से निकालती है, तो बाकायदा लेबर कोर्ट में आप शिकायत कर सकते हो। इसका ऑप्शन गवर्नमेंट ने, सऊदी गवर्नमेंट ने दिया है।
और 6 महीने बाद पूरी सैलरी मिलेगी। तो 6 महीने तक भाई एडजस्ट कर लीजिए, इंडिया आने की न सोचें। आपको पता है 7 मई से टिकट फ्लाइट स्टार्ट है इंडिया में, मैंने वीडियो डाल दिया है, आप नहीं है तो आप देख लीजिए, मैं वीडियो के नीचे उसका लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। इंडिया गवर्नमेंट 7 तारीख से फ्लाइट स्टार्ट कर रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इंडिया न आने की बजाय वहाँ सेटल होने की सोचें, ताकि आपका भविष्य बने और आपका परिवार भी सुखदायी रहे। आज की जानकारी इतनी थी, आगे नेक्स्ट जैसे कोई जानकारी आती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।